आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। Let's play some music and dance. Woohoo! Okay. Visa? मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी. Nice choice. दरवाजा तो बंद करूं, ये लड़की पागल हो गई है। बड़ी बहनों इसलिए हर दफा लिहाज कर जाती, वरना जितनी बदतमीज हूं ना मैं, तुमसे बेहतर भला कोई जान सकता है? अब तुम्हें इजाजत है। खराब कर दिया इसने। सलाम अलैकुम अब्बू जान। वालेकुम सलाम। तुम्हारी माँ अंदर है? कहाँ है? वो खाला जान के यहाँ गई है। राबिया की तरफ? जी। खैरियत? खाला जान ने उन्हें बुलाया था, अब तो आने वाली होंगी। अच्छा। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। हाँ भाई, अजरा बेगम आ गई। हाँ जी। खैरियत? राबिया ने बुलाया था, वहां गई थी। अकेली गई थी, किसी को साथ लेकर जाती? सब खैर थी? राबिया का बुलावा किसी तूफान से कम नहीं होता, ये तो आप भी जानते हैं ना। लेकिन भाई देखो अजरा बेगम, ये जो कुछ भी हुआ इसमें बेचारी समरा का क्या कसूर है? सलमान को अगर नौकरी नहीं मिली ना, तो आप समरा के इस्तकबाल के लिए तैयार रहिएगा। अम्मी प्लीज ऐसा नहीं कहें। अरे बेटा,
किस माँ को ये सब बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन जो मैंने सुना है देखा है मैं वही बता रही हूँ। सलमान भाई ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो जन्नत और समरापी से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि राबिया की बेटी हमारे घर पे है, लेकिन वो इस बात का कभी भी लिहाज नहीं करेगी। मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। अरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ये सब कुछ हमारे बेटे की वजह से हो रहा हो। जाहिद हमारा बेटा है, हमारा खून है, हम कौन सा खुश है उससे। हो सकता है राबिया ये सब कुछ जाहिद की वजह से कर रही हो। अरे जाहिद की तो बात ही ना करें, जाहिद का नाम सुन के ना मेरे तो दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है। इतनी मन्नतों मुरादों से मांगा हुआ बेटा हमें ये दिन दिखा रहा है। बस अब तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ही उसको हिदायत दे। आप ही दुआ कीजिए, शायद अल्लाह आपकी सुन ले कि उस लड़के को थोड़ी सी हिदायत दे दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम खालू जान। वालेकुम सलाम। अज़रा बेगम कम से कम अपने आसपास तो देख लिया करो बात करते हुए, कौन है कौन नहीं है। क्या हुआ, वहाँ पे दुआ ही तो थी। मैं अपनी बहू की बात कर रहा हूँ, क्या सोचेगी कि वो राबिया के बारे में तुम क्या क्या कह रही थी, क्या उसके दिल पे कितना बुरा असर पड़ेगा। उस्मान साहब राबिया पहले मेरी बहन है, मेरी बेटी की सास है वो, और सानिया को भी तो पता चले कि उसकी माँ मेरी बेटी को कितना परेशान करती है, और ये हम हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना कोई इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करता। बेटियों की किस्मत उनके माथे पे नहीं लिखी होती, भाई जो उसकी किस्मत में हम देख लेंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जाहिद चाहे जितना भी लापरवाह हो जितना भी बदतमीज हो, लेकिन वो समरा के मामले में बहुत हसास है, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बहन के साथ कुछ ज्यादती हो। अरे सुनो, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समरा की बदनसीबी की सजा इस बेचारी बहू को क्यों दे रही हो। कैसे बाप हैं आप कि बेटी के आंसू भी आपको नहीं पिघलाते। क्या हो गया तुम्हें भाई, दफ्तर से बंदा आता है तो चाय का पूछता है, तुम तो मुसीबतों का पहाड़ लेकर खड़ी हो जाती हो। ठीक है लाती हूँ चाय। पैसे याद है ना तुझे, कल लेता भाई हो वरना घुसने नहीं दूंगा यहाँ पे, समझा ना। हाँ कोई नमूना नहीं करना मेरे साथ। जब तेरा कोई रोजगार नहीं है तो तू क्यों। तकदीर ही खराब है। हाँ मेरे मौला, तूने बंदा भी खूब बनाया है, हार गया तो तकदीर और जीत गया तो तदबीर। वाह भाई वाह। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सुल्तान बा, कुछ जीते आ रहे, तुम्हारा अड्डा तो चल रहा है। जुए का अड्डा तो वैसे ही बदनाम है,
ये कारोबार तो हर जगह चल रहा है, कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, मगर मैं तो हार ही जा रहा हूं। अब तो दांव पे लगाने के लिए भी कुछ नहीं बचा मेरे पास। ये जो इंसान है ना पुत्र जी, ये जब चलते चलते थक जाता है ना, तो उसकी मंजिल वहीं कहीं करीब होती है। और तेरी थकन भी तेरी मंजिल की निशानदेही कर रही है। बस इंसान हिम्मत हार जाता है। तू जीतेगा, आज नहीं तो कल। आज तो हार गया, कल किसने देखी। चलता तू कल फिर आएगा यहां पर, यह आदत ही ऐसी है मेरे बच्चे। एक तो घर में सारे अकलमंद हैं, हर वक्त लेक्चर देते रहते हैं, यहां तुम्हारे पास आओ तुम्हारी बातें नहीं खत्म होती, दिमाग खराब हो गया। अबे भाई, हमारे पास करने को बातें ही तो हैं, बातें भी ना करें तो और क्या करें। तुम ऐश करो सुल्तान बा, ये ठाट बाट पैसे की रेल पे ऐश करने के लिए बने हो तुम। तुझे क्या बताऊं पुत्र जी, अपनी टूट फूट छुपाए बैठा हूं। घर वालों ने भी इतना बड़ा लेक्चर तैयार किया होगा, वो भी सुन लेता हूं जाके। चलता हूं। खुदाया ये क्या हाल बनाया हुआ कमरे का। उस माँ ही घर पे तो नौकर चाकर हैं, लेकिन तुम्हें तो ख्याल करना चाहिए, खुद समेटना चाहिए। रिदा खुद नहीं तुम समेटती हो। क्या समझा हुआ तुमने, मुलाजिम हूं तुम्हारी मैं। ज्यादा सिंटी होने की जरूरत नहीं है, घर के काम करने से कोई मुलाजिम नहीं हो जाता। हाँ मगर मुझसे छोटे मोटे काम होते नहीं है, इसीलिए मैं तो किसी ऐसे अमीर घर में शादी करूंगी जहां पे तुम जैसी सो कॉल्ड मेड ना हो, वाकई की मेड हूं। मत किया करो रिदा ऐसी बातें, अच्छी बातें नहीं है ये। और नसीब तो ऊपर वाला लिखता है रिदा। तो वो मैं मिटा दूंगी, अपना नसीब मैं खुद लिखूंगी। देखो मेरी एक बात गौर से सुनो, ये सारे पुरानी बातें हैं, जब लड़कियां घरों में कैद होती थी, भेड़ बकरियां होती थी। आज की लड़की बाशऊर है, खुद मुख्तार है, आजाद है। और इस आजादी को गलत रंग देना बहुत गलत बात है। ओ माई गॉड, मैं भी किस सड़ी रूह से बहस कर रही हूं। बनना इस लड़की का। आ, इतनी बहादुर हो के ऐसे रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो तुम, सूट ही नहीं करता तुमको। तुम खुद ही बताओ नबी, रिदा को करना चाहिए था मेरे साथ ऐसा। कितना साथ देती हूँ मैं उसका, कितनी बातें छुपाती हूँ उसकी मैं अम्मी अब्बू से, फिर भी उसने। भाई देखो अब तुम अपनी नेकियां जाया कर रही हो बस। मुझे तो कभी कभी लगता है तुम रिदा के साथ मिले। हाँ मिला हुआ, बहुत दफा मिला हुआ, एक्चुअली कजन है मेरी, क्यों ना मिलो। वेरी फनी। मुझे लगता है जाहिद भाई आ गया। चले जी अब आपके भाई की बातें सुनते हैं जाके। सुननी पड़ेंगी। सुन, तो मैंने मना किया हुआ है कि तू दरवाजा नहीं खोलेगी, सानिया खोलेगी, कहाँ है वो?
अब्बू भी आते जाते भाभी को ही देखना चाहते हैं और आप भी। अब्बा मोहब्बत की वजह से देखना चाहते हैं उसे, मेरा कोई सीन नहीं है सर। आइंदा तू दरवाजा नहीं खोलेगी सानी। अस्सलाम वालेकुम। वो मैं दुआ को मैथ्स पढ़ाने आया था, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसे। क्लास में ध्यान नहीं देती ना तो? कर जाएगी इंशाल्लाह, क्लियर कर जाएगी इंशाल्लाह। दिया कर, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आई लॉट टू लीव। भाई साहब कोठने का इरादा है? हेलो बाबा। वालेकुम सलाम। भाई हमें नहीं मालूम कि तुम्हारे इस हेलो के जवाब में क्या कहना चाहिए। अब तुम्हारी नई नस्ल इसके जवाब में क्या कहती है हमें इसका इल्म नहीं है। सुबह सुबह तो शर्मिंदा ना किया करें। अगर मैं इस तरह तुम्हें ना आके जगाया करूं तो तुम तो दो दो बजे तक पड़े सोते रहो। वैसा लगता हूँ। कैसी है? आंखें खुल गई इतनी जबरदस्त। तुम्हारी अम्मा कहा करती थी कि सुबह की चाय के वक्त अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अब देख ले फिर, आपके लाड और प्यार ने अगर मुझे बिगाड़ दिया ना, बाद में ना कहिएगा। रात किस वक्त आया था? रात को थोड़ा सा लेट हो गया था। सही बात बताओ, दुआ को तुम सिर्फ हिसाब पढ़ाते हो या कभी कभी उर्दू लिटरेचर में भी बातचीत हो जाती है? लिटरेचर? जब भी उससे लिटरेचर के बारे में बात करता हूं ना, जीरो इंटरेस्ट शो करती है। बहुत रूखी लड़की। उससे बात करना शुरू करता हूं ना तो जिंदगी के मुख्तलिफ एंगल से बात करना शुरू हो जाता। तो बेटा जो जिंदगी का सबसे खूबसूरत एंगल है, कभी उस पे बात की तुमने उससे? मैं कल कला को उसने बाबा बस कर दे, सुबह सुबह शुरू हो गए। भाभी आज आपने फिर से पराठा नहीं बनाया ना, आपको पता है मैं पराठे के अलावा नाश्ता करती नहीं हूँ। साहिद कब आया था रात को? मुझे क्या पता खाला जान, मैं तो सो रही थी। तो फिर दरवाजा किसने खोला? मैंने अम्मी जी। तुम कब तक उसकी ड्यूटी दोगी? सानिया जब जाहिद आए ना तो दरवाजा तुम ही खोला करो, ये तुम्हारा फर्ज है। ये कैसा फर्ज है अम्मी जी? मैंने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा कि शोहर जब मर्जी घर आए बीवी का फर्ज है उसके लिए दरवाजा खोलना। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। हाँ तो ऐसे कहे ना, ऑर्डर है ऑर्डर। खाला जान मैं सारा सारा दिन इस घर के काम करती हूँ, अब मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ। मुझे नहीं पता चलता कब मेरी आंख लग जाती है। हाँ बेटा, तुम्हारी नींद भी ना तुम्हारी माँ की ही तरह है, वो तो रोटियां पकाते पकाते सो जाए उसको पता नहीं चलता।
खानदान में शादी करने का सबसे बड़ा नुकसान, कोई बात नहीं छुपाई जा सकती। और तुम क्या खुसर पसर कर रही हो सानिया? जाओ जाहिद को उठा दो, तुम्हारे अब्बू को गए हुए 2 घंटे हो गए और वो अभी भी पड़ावा सो रहा है। बुरा मत मानिएगा खाला जान, लेकिन जाहिद जैसे इंसान से किसी को शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्या बुराई है मेरे बेटे में? ओके अम्मी, खुदा हाफिज, हम लोग चलते हैं, देर हो रही है। खुदा हाफिज अम्मी। हाँ अब बता, क्या बुराई है मेरे बेटे में? बस करे खाला, जैसे आपको तो पता ही नहीं है, आपका बेटा एक नंबर का निकम्मा है, निकम्मा। रात को कितनी लेट आता है कि आपको अंदाजा नहीं है, और जब से मेरी उसके साथ शादी हुई है मेरे हाथ पे एक पैसा नहीं रखा। छोड़ो खाला, खाला। आप कह रही थी ना क्या खराबी आपके बेटे में, अपनी आंखों से देख लो। क्या बोल रही थी, बहुत जबान चलती है तेरी, हाँ बहुत जबान चलती है। छोड़ उसे, छोड़ इंसान बन, छोड़ो। ये कौन सा इंसान बनेगा? नाश्ता लेके आओ, जाओ जा, तू नाश्ता लेकर आ। जाहिद बेटा, औरत के दिल में अपने शौहर की इज्जत उस वक्त तक रहती है जब तक उसका हाथ नहीं उठता उसके ऊपर, वरना मार खाने वाली औरत कभी अपने शौहर का साथ भी नहीं देती। भूख लगी, नाश्ता कर लो। चल बैठ, बैठ। आज आपके बाल बहुत अच्छे बने हैं, ये छुट्टी आपने खुद बनाई है? नहीं, मम्मा ने बनाई। आपको नहीं आती बनानी? आप खुद से कब बनाना सीखेंगे? मुझे 2 वाली छुट्टियां बड़ी पसंद है, और उसके साथ ना, ओह आराम से देख के हाथ ना कटे तुम्हारा। हाथों में सुराख है? क्या हो गया अम्मी, क्यों डांट रही हैं आप? टूटने वाली चीज से टूट गई। तू बिल्कुल चुप कर, ये तेरी ही दी हुई ढील है। क्या ढील है, 6 महीने से मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ और 6 महीने से इस गरीब की आंख में आंसू ही देख रहा हूँ बस। ओहो, इस गरीब के जो आंसू गिरते हैं वो दिखाई देते हैं, और तेरी माँ के दिल पे जो आंसू गिरते हैं वो दिखाई नहीं देते। मैं तो तेरे लिए कुछ कर भी नहीं सकती, क्या करूं मैं, तेरी माजूरी मेरे दिल का रोग बन गई है। क्या करें? मामा, मामा खून। आपको तो सिर्फ मेरी माजूरी दिखाई दे रही है ना, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ, और मेरी बेबसी का अंदाजा आप नहीं लगा सकती। ना मैं उठ के आपके आंसू पोंछ सकता हूँ, और ना ही इसके जख्म पर मरहम रख सकता हूँ। क्या कर रही हो यार, छोड़ दो उसको, फिर तुम्हारे हाथ कट जाएगा। कोई बात नहीं, मैं दवा लगा लूंगी। थैंक यू। मेरा हौसला हो तुम, जब भी तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है इस दुनिया में मेरा कोई गम नहीं है। सच्ची तो है, क्या गम है हमें? मेरी माजूरी,
सलमान, ये सब वक्ती बातें हैं। आपका एक्सीडेंट हुआ और टांग जख्मी हो गई। इंशाल्लाह आप देखिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। चलो बच्ची से चाय पिला दो मुझे प्लीज। अभी लाती हूँ। सुनो, मुस्कुराती रहा करो ना, बहुत अच्छी लगती हो। मैं भी मम्मा से यही कहती हूँ। Love you, बाबा। I love you too. देखो रीता, मुझे तुम्हारे लिए रोज रोज जाके झूठ नहीं बोला जाता। तो किसने कहा कि झूठ बोलो? साफ साफ बताओ कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। माही बता रही थी कि न्यू मूवी आई है और बड़ी जबरदस्त है, तुम भी साथ चलो, फिल्म भी देखेंगे और कंबाइंड स्टडीज भी करेंगे। मैं जानती हूँ तुम्हारी कंबाइंड स्टडीज को। रीता, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ना गिरने का वक्त मिलता है ना संभलने का, जो होता है अचानक हो जाता है। अच्छा ये बताओ, तुम साथ चल रही हो कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मर्जी है तुम्हारी, मगर टाइम वेस्ट मत करना। साफ साफ बता देना कि मैं अपनी दोस्त माही के साथ जा रही हूँ। मेरा दिल चाह रहा है आज जाके वाकई बता दूं कि तुम अपनी दोस्त के साथ करने क्या जा रही हो। अच्छा, खुदा हाफिज। आज फिर अकेली आई हो? वो रेदा को असाइनमेंट बनानी थी माई के साथ। मैं समझती हूँ, या तो तुम्हें पढ़ाई से कोई गर्ज नहीं है, या फिर रेदा असाइनमेंट बनाने नहीं जाती। क्या मतलब है अम्मी आपका? सयाने कहते हैं कि औरत की इज्जत चौराहे पे रखे हुए खाली स्लेट की तरह होती है, जिस पे जिसका जो दिल करे वो कहानी लिख कर चला जाता है, और लड़की कुछ नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती अम्मी? एक जीती जागती औरत बेजान स्लेट की तरह कैसे हो सकती है? मैं रिदा की तबीयत को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और तुम पर्दे डाल रही हो उस पे। मेरी बाई आंख फड़क रही है, समझी? एक काम करते हैं अम्मी, शाम में ना डॉक्टर रजिया के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि रिदा के देर से आने का और आपकी आंख के फड़कने का आपस में क्या कनेक्शन है। कोई ना कोई मेडिसिन तो होगी ना उसके पास आपकी आंख के फड़कने की। अरे एक तो उस लड़की के फलसफे खत्म नहीं होते, मैं यहाँ पे परेशान हो रही हूँ और इसका मजाक पूरा हो रहा। आने दो रिता को, बात करती हूँ मैं उससे। जब देखो माही 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 दुआ। रिता एक बात कहूँ? डोंट माइंड नाउ। दुआ बिल्कुल तुम्हारी बहन नहीं लगती। तुम बहन की बात कर रही हो, मैं तो खुद उस घर की नहीं लगती। हाँ बट स्टिल दुआ का माइंड से बहुत पुराने ख्याल किए वो। आई डोंट नो तुम उन लोगों के साथ कैसे रहती हो। मजबूरी है यार, एक दफा कुछ बन जाने दो फिर देखना। तुम उस घर में रहेगी तो तुम कुछ भी नहीं बनने वाले सिवाय स्टूपिड बनने के। देख लेना, तुम लिख लो मेरी बात, आज एक दिन तुम फखर से कहोगी कि रिदा उस्मान मेरी दोस्त मेरे साथ मास्टर्स कर रही। ओ हेलो मैडम, पापा से बाहर आ जाओ और ऑर्डर कर लो पिज्जा, आई एम वेरी हंग्री। हाँ वो खाते हैं ना दही भले या गोलगप्पे।
रिदा कहाँ है? रिदा तो वो माही के घर पे गई थी, उसने कोई असाइनमेंट्स बनानी थी तो। झूठ बोल रही हो तुम, बकवास कर रही है ये। उसको खुद अभी बाजार में देख के आया हूं मैं। सच सच बता, रिदा कहाँ है? मम्मी मुझे आपकी कसम, रिदा को मैंने खुद माही के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा है। सड़क किनारे माही के साथ दही बड़े खा रही थी और तुम कह रही हो असाइनमेंट कर रही थी? ये जो धुआं है ना, मिली भी है उसके साथ, उसके करतूतों पे पर्दा डालती है ये ताकि वो अय्याशियां कर सके। चुप कर जा, शर्म नहीं आती तुझे बहनों के बारे में इस तरह से बात करते हुए? बेशर्म कहीं का। शर्म से तो हम लोग डूब मरेंगे, दुआ करें हमारी गैरत का जनाजा ना निकाल दे वो। इसका कुछ करना पड़ेगा मुझे। मम्मी मुझे आपकी कसम, रिदा माही के साथ ही गई थी। बच्चे रिदा को बुलाओ, भाई हूं उसका। आप यहीं रुके। ये लग रहा है इंदो ना? हाँ। कहो ना बीबी। रिदा बीबी के भाई आए। ए लड़की बैठी रहो, बेहतर यही होगा कि तुम अपने जैसों में दोस्तियां गाड़ो। मेरी बहन के साथ तुम्हारी दोस्ती मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आइंदा फोन मत करना। माही सॉरी। देखा है उसकी असाइनमेंट? बता। सच सच बता, कहां गई थी? थी तो माही के घर पे, लेकिन फिल्में देख रही थी वहां पे। अगर तुझे माही के घर ही जाना था तो बता के नहीं जा सकती थी? क्या जाहिलों वाली बात कर रहे हैं आप सब? भाई बता तो रहे हैं कि माही के घर पे फिल्म देख रही थी, कोई सिनेमा नहीं चली गई थी मैं। सुन लो, ये तुम्हारी ढीलों का नतीजा है ये। और ये जो माही है ना, जहर लगती है मुझे। देख लेना अम्मा, मैं लिख के देने को तैयार हूं, वही है जो तुम्हारी बेटी को खराब करेगी। टांगे तोड़ दूंगा इसकी अगर ये घर से निकली। अब ना चल सकेगी और ना माही के घर जाएगी। रिदा बेटा देख, माही के घर जाने के लिए तुझे बहाने बनाने पड़ते हैं, इसका मतलब है वो अच्छी लड़की नहीं है। माही मेरी दोस्त है, मुझे उसके साथ अच्छा लगता है। और भाई को चाहिए मुझसे बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांके। दुआ,
आखिरदा को क्या हो गया है, वो इस तरह से क्यों कर रही है? समय रिदा जैसी लड़कियां कभी नहीं बदल सकती। माही, मोहब्बत की एक नजर बड़े बड़ों को सीधा कर देती है, तो फिर ये रिदा क्या चीज है? तुम लड़कों को इसके अलावा कुछ और आता है? जरूरत ही क्या है, एक मोहब्बत 100 काम बना देती है, जैसे तुम मेरे करती हो। अच्छा, आज से तुम्हारे सारे काम बंद, अब मुझसे कोई काम करवा के दिखाना। अच्छा, तुम एक काम करो, रिदा को मुझसे मिलवा दो, सेट हो जाएगी। और मैं अपसेट है ना? अरे नहीं भाई, तुम जानती हो वो मेरी टाइप की नहीं है। अलबत्ता मुझसे मिलकर उसे जरूर फायदा हो सकता है। वो क्या? उसका पहला बॉयफ्रेंड होऊंगा। और जरा सोचो, मैं उसका पहला बॉयफ्रेंड हूँ, कॉन्फिडेंस का ग्राफ क्या बनेगा उसका? वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगी, वो जानती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अरे दो मुलाकातों में मेरे पीछे ऐसे भागती आएगी जैसे पाइपर के पीछे पूरा गांव। ओ प्लीज, दिस इज अ रियल लाइफ, नॉट अ कॉक एंड बुल स्टोरी। मैं तो कह रहा हूँ शर्त लगा लो। हार जाओगे। एंड अगर मैं जीत गया तो फिर मुझे क्या मिलेगा? जो तुम चाहोगे, और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मुझे ही मांगोगे। देख लो। रिदा, जब भाई को माही नहीं पसंद तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो? अगर भाई मुझे नापसंद करने लगे तो क्या मुझे मर जाना होगा? बेवकूफों वाली बातें मत करो रिता। तुम पता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जब तुम्हारे पास किसी बात का जवाब नहीं होता तो तुम कहती हो बेवकूफों वाली बात मत करो। लेकिन मेरा सवाल वहीं कायम है, जवाब दो। देखो, तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो और तुम रिदा उस्मान हो, प्लीज इस घर की इज्जत को समझने की कोशिश करो। अब्बू पहले ही भाई की वजह से बहुत परेशान है, और पता नहीं भाई अब्बू को क्या बताएं, उनकी सोच का तो पता है ना तुम्हें। और फिर अब्बू परेशान हो या नहीं बताओ। ये तुम्हारी सोच है कि अब्बू हमारी वजह से परेशान होते? उन्हें उनकी परेशानियों ने सर उठाने के काबिल छोड़ा हो तब ना। और जहां तक बात रही माही की, उसे मैं नहीं छोड़ सकती। माही मेरा आउटलेट है, मेरी खिड़की, मेरा रोशनदान, मेरी जिंदगी की रोशनी। तुम देखना, इस घुटन ज़दा माहौल से वही निकालेगी मुझे। और तुम बड़ी तेज हो, पहले तुमने मेरी शिकायत लगाई होगी, उसके बाद मेरी हमदर्द बनने आ गई हो। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम माही है, तुम मैं हूं,